दोस्तों, आज हम अपने ससुराल आए हुए हैं, जो कि हमने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया भी है। और उस वक्त छत पे हमने खड़े होके वीडियो थोड़ी सी बनाई है। अभी आपको दिखाएंगे हम सही व्यू। अब ये दरवाज़ा खोलेंगे, हवेली के पीछे भी एक हवेली है। यहाँ भी आपको दिखाते हैं कि क्या क्या। ये छोटी सी हवेली में ना उन्होंने ये चार पहिया रकबाड़ाना बनाया हुआ है, लेकिन अब हम जाएंगे बड़ी हवेली में। हाँ, बड़ी हवेली में कुछ कदरे बेहतर है। यहाँ पे आप देखते हैं, ये पता नहीं किस चीज़ का लगा हुआ है। सुबह सुबह का पता है आपको टाइम है, तो बड़ा ही मज़ा आता है गांव में, खास करके मुझे। ये दरेक लगी हुई है, और यहाँ पे ये माल्टे का बूटा, पर अभी तक कोई चीज़ ऊपर है कोई नहीं। ये इधर भी माल्टे का बूटा है। हाँ, ये अमरूद हैं। आपको अगर मैं करीब करके दिखा सकूं तो आपको नज़र आ रहे होंगे, ये छोटे छोटे अमरूद लगे हुए हैं। वैसे तो ये पता नहीं मीठे हैं कि कैसे हैं, अब छोटे छोटे हैं, खा भी नहीं सकता बंदा। हाँ भाई, ये नींबू का बूटा हमें मिल चुका है। नींबू भी छोटे छोटे, ये देख सकते हैं आप, तो लगे हुए हैं, लेकिन हम इन्हें उतारेंगे नहीं क्योंकि अभी बहुत छोटे हैं। और ये देखें आप भाई, इधर भी मेरे ख्याल से नींबू का ही बूटा है, लेकिन ये भी छोटे हैं। ये शहतूत का बूटा है, दरेक लगी हुई है, अमरूद लगे हुए हैं, अनार कहीं नहीं लगे। यार, अनारों का भी कहीं ढूंढते हैं, शायद अनार भी कहीं पे मिल जाए हमें। हाँ 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 ये भाई लगता है अनारों का जो है ना पौधा है, लेकिन यहाँ पे कुछ लगा नहीं हुआ। ठीक है, ये मिले आप हमारे ससुर जी से, नहीं हमारे लिए अमरूद उतारे हैं। ये देखें, अमरूद उतारे हैं दो, चेक करते हैं अब कैसे हैं, मीठे हैं कि नहीं। ओ पुट्ठे, एक पोला है ना काला जेड़ा। हाँ जी, इसके अमरूद ये देखे लगे हुए हैं, आपको अगर नजर आ सके, छोटे छोटे। भाई जरा हाथ लाओ, इधर इधर देखो, जरा हाथ लाओ, इन्हें कहा कि बाय बाय करो। लो जी भाई, अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे मुर्गियां। अभी इनको निकाला है वो वाली कोठरी से, तो ये सीधा इधर आके अपना नाश्ता कर रही हैं। सुबह का नाश्ता केले और सेब के छिलकों के साथ, और ये हम एक अमरूद छोटा सा फेंक रहे हैं। हाँ, अमरूद मेरे ख्याल से कुकड़ियों को पसंद नहीं है, ये नहीं खा रही। अब हम हवेली के बाहर आ चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बाहर का गांव का व्यू हम करेंगे, गांव के बाहर की तरफ आए हैं। क्योंकि गांव तो बहुत सारे आपने देखे होंगे, दुकानें होती हैं और थोड़ा सा माहौल होता है। यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे भाई कमाद लगा हुआ है, ये देखें क्या बात है। और वो आपके पीछे नज़र आ रहा होगा, वो गांव, गांव क्या कह रहा हूँ, दरबार। वो भी कोशिश करेंगे हम आपको दरबार पर लेकर चलें, लेकिन उससे पहले हम आपको गांव का व्यू दिखाएंगे ये, क्योंकि गांव के अंदर का तो सभी गांव का वही होता है, दुकानें वगैरह। लेकिन ये जो घूमने का माहौल है ना यहाँ पे, ये अलहदा ही है, अपना ही मज़ा है। मज़ा ना आए तो पैसे वापस, सस्ता और टिकाऊ माल, 200-400 की टिकट लगती है बस, और आप किसी अच्छे से गांव में चले जाएं। ये देखें ज़मीनें, मुझे तो ये बहुत प्यारी लगती हैं दोस्तों ज़मीनें। यहाँ पे सुबह सुबह घूमना अपनी सेहत के लिए ठीक होता है बंदे के, हर बंदे को चाहिए कि गांव में अगर वह जाता है तो सुबह सुबह सैर वो लाजमी करे, क्योंकि सुबह के सैर के इतने फ़ायदे हैं।
अनगिनत फायदे हैं उसके। हेल्थ बंदे की ठीक हो जाती है, वॉक करने से स्मार्ट रहता बंदा वैसे भी, और सुबह सुबह ये जो ऑक्सीजन हम अंदर ले के जाते हैं ये भी तरोताज़ा, दिन को तो फिर वही गर्द गुबार वाली आबो हवा हो जाती है ना। सुबह सुबह जो तरोताज़ा होती है, रात को लोग सोए हुए होते हैं फ्रेश अलग तरफ से जो जाम होता है वो भी ज़बरदस्त होता है। ये देखें आप, वो दूर दूर तक गाँव ही गाँव, गाँव ही गाँव, ये बहुत अच्छा भाई लगता है हमें ये बहुत। और कहीं कहीं पे वो देख सकते हैं आप, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, आगे फिर जंगल ही है, क्या पता भाई यहाँ से जानवरों से डर नहीं लगता, यहाँ पे लोगों से डर लगता है, क्योंकि जानवर तो शायद छोड़ दे, लोग छोड़ते नहीं है। ये एक कोठी टाइप अभी स्टार्ट हो रही है, आगे जाके बनेगी। सुबह सुबह के वक्त गांव में जाएं, गोंगलू मूलियाँ गाजरें खाएं, और वो गन्ने वो चूसें, और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाएं, मज़ा लें भाई। ज़िंदगी का मज़ा जो है ना खट्टे में नहीं है, ज़िंदगी का मज़ा गांव में है, ठीक है। अच्छा सा गांव हो और वहाँ पे अपनी ज़िंदगी बंदा गुजारे, फ्रेश ज़िंदगी। तरोताज़ा ज़िंदगी, तरोताज़ा ज़िंदगी गुजारने के लिए आप भाई किसी गांव में सेटल हो जाएं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आप किसी गांव में सेटल हो, लेकिन घर वाले जो उनका मूड नहीं था, वो कहते नहीं भाई हम गांव में सेटल नहीं हो सकते, हम अपने शहर में रहेंगे। बेसिकली शहर गुजरात के हम, मेरा मूड यही था कहीं नज़दीक अगर कोई गाँव मिल जाए, वहाँ पर जगह खरीद के बंदा वहाँ पर अपना घर बनाए और डेरा बनाए जैसे पुराने वक्तों में होता था, और वहाँ पे जानवर रखे, भैंसें वगैरह बकरियाँ मुर्गियाँ अपनियाँ पाले। वैसे तो हमारे ससुर साहब ने पाली हुई हैं मुर्गियाँ, बकरियाँ भी कभी कभी रख लेते हैं दो चार बड़ी ईद के लिए कुर्बानी के लिए, लेकिन जो अपना मज़ा होता है ना वो अपना ही होता है। 200 मुर्गी रखी हो, एक दो दो चार भैंस रखी हो, फिर उसके बाद एक घोड़ा भी होना चाहिए भाई सैर सपाटे के लिए गांव में, क्या बात है। कोशिश करते हैं भाई हम आपको दरबार दिखाने की, अगर इजाज़त मिली अंदर जाने की सुबह सुबह का, क्योंकि टाइम है इस वक्त शायद ताला ना बजा हो, बाकी कोशिश हम पूरी करेंगे, बाकी अल्लाह बेहतर जाने। ये भाई हम दरबार के पास आ चुके हैं, बाहर दरबार के बाहर आ चुके हैं, यहाँ पे बोर्ड का दरख्त बहुत बड़ा लगा हुआ देखें तो काफ़ी पुराना लगता है, तकरीबन 200-300 साल शायद पुराना हो, इंडिया पाकिस्तान बनने से भी पहले का ही हो। तकरीबन मैंने यह हर दरबार पे ही देखा है कि बोर्ड का दरख्त तो लाजमी लगा हुआ होता है। अगर हम इसके अंदर जाएंगे, अंदर का भी बड़ा ही प्यारा लुक है भाई, ये देखें। यहाँ पे अंदर भी वो देखें बोर्ड का दरख्त लगा हुआ है, तकरीबन हर दरबार पे ना एक बोर्ड का दरख्त होता ही है। तो यहाँ पे तो भाई 2-3 निकल आए हैं। यहाँ पे भाई एक कब्र दिखाएंगे आपको, किसी अलग ने क्या नाम लिखा हुआ है, साईं गुलाम हैदर, क्या बात है, अच्छा मिला उधर। बाकी यहाँ पे थोड़ा सी दुआ करेंगे। दुआ भाई हमने कर ली है, अब हम ये देखें, ये आपको शायद नाम पता हो तो हम आपको बता दें, ये जो होते हैं ना दाढ़ी वाले दरख्त, ये जिनके साथ ये लमक रही होती है, ये मेल होते हैं, और ये बगैर दाढ़ी के जो होते हैं ना, ये इसके साथ कोई चीज़ नहीं लमक रही, ये फीमेल होते हैं, क्योंकि दरख्तों में भी फीमेल और मेल्स होते हैं, अल्लाह ताला ने जोड़ा बनाया, बगैर जोड़े के कुछ भी नहीं बनाया।
तो अभी हम आपको लेके चलेंगे अंदर। अभी हम दरबार के अंदर, दूसरे दरबार के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक औरत गई हुई है तो वो निकलती है, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि आपको अंदर से भी दिखाएं। बड़ा पुराना ये दरबार है, ये देखें दरवाजे पुराने लगे हुए हैं, कुर्सी भी ये पुरानी पड़ी हुई है। ये किसी ने न्यू बस थोड़ा सा बनाया हुआ है, एक दफ़ा वो भी हम आपको कोशिश करते हैं अगर औरत निकल गई हो तो अंदर से दिखाएं। अल्लाह दिता साई मकसूद साहब, ये देखिए भाई चारों तरफ से आपको दिखा दूँ ना। अभी किसी ने टाइलें लगवाई हैं ज़बरदस्त करके, ये जनाब दरबार के अंदर का व्यू है। साईं गुलाम हैदर इनका नाम है और ये और भी अल्लाह और उनके नेक बंदों के नाम लिखे हुए हैं, नबियों के शायद मुझे लगता है नाम लिखे हुए हैं, और ये ऊपर अल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है और उनके चार यार और जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं भाई बहुत ही अच्छा दरबार है। लो जी भाई, हमने आपको विज़िट करवा दिया गांव का, दरबार का और अपने ससुराल का, हवेली का, जो जो हम दिखा सकते थे हमने कोशिश की आपको दिखाने की। बाकी आपने यार जो अगर आपको अगर पसंद आता है व्लॉग, गांव की ज़िंदगी पसंद आती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये गाँव। अगर आपको अच्छा लगा तो हम कोशिश करेंगे आइंदा भी अच्छे अच्छे गाँव में जाने की, क्योंकि बाकी शहरें तो बहुत सारे ब्लागर करवाते हैं लेकिन ये बहुत कम लोगों को मैंने देखा है कि गाँव वगैरह की सैरें कराना और गाँव वगैरह की पुरानी रस्म रवायात, जो कि आपने आगे भी आपको दिखाते रहेंगे और पीछे भी दिखा चुके हैं थोड़ी बहुत। जो यहाँ पे देखें बोर्ड का दरख्त लगा हुआ, ये भी एक रान वान चला, इसके काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे लेकिन अभी हमें कोई बताने वाला नहीं है। बोर्ड के फ़ायदे तो बहुत हैं, बाकी हम आस्ता आस्ता और बहुत कुछ आपको दिखाएंगे। तो इसी वीडियो में हमें इजाज़त दें, मिलते हैं किसी न्यू ब्लॉग में किसी न्यू प्लेस पर इंशाल्लाह। ओके भाई, खुदा हाफिज़।